इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर हम धार्मिक परंपराएं मानते हैं और रीति रिवाज को मानते हैं तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय, कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही हैं। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें उसको लेकर के कहा जाए जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पर चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी। वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। और मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, मिलिट्री स्कूल में ना, लेकिन अब फिर भी नेता अध्यक्ष महोदय फिर भी वो आवश्यक नहीं मान रहा है। कोई आवश्यक बहुत बहुत बोलना आवश्यक हो तो बोलिए। इसलिए बहुत अध्यक्ष महोदय, ये जो बजट है ये केवल मैंने जो तस्वीर दिखाई थी एमओयू हवा हवा में है, एमओयू हवा हवा में है। और जो आप ग्रोथ रेट पाना चाहते $1 trillion इकोनॉमी की, वो हवा हवा में है। 6 साल जिसने ऐसे ही काट दिए हों, वो 4 साल में कैसे हमारे उत्तर प्रदेश की $1 trillion इकोनॉमी ले पाएगी। और इस बजट ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसान और खासकर नौजवानों को निराश किया है। और जो बड़े बड़े मेले लगे हैं, इन मेलों में जो आए हुए उद्योगपति हैं, आपके बजट से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है MSME, जिसमें जान फूंकनी थी, आप बड़े उद्योग ला रहे हैं लेकिन MSME कितने बंद हो रहे हैं, उस दिशा में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये बजट दिशाहीन है, ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 trillion इकोनॉमी की तरफ नहीं ले जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। नेता अपना दल, नेता अपना दल बोलेंगे, आप बोलेंगे रामनिवास जी। अभी सभी सम्मानित विधानमंडल के नेताओं को क्रम से बुलाऊंगा, फिर जो पुराना क्रम चल रहा था इधर से 2 मान्य सदस्य बोलेंगे, विपक्ष से 1 मान्य सदस्य बोलेगा। तो अभी नेताओं के लिए 15 मिनट निर्धारित हैं, बाकी अन्य सदस्यों के लिए 7 से 8 मिनट निर्धारित हैं। तो ये डिबेट